प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंगलवार को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 9 से 11 बजे तक आपातकालीन को छोड़कर संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि लगातार राइट टू हेल्थ बिल की खामियों को लेकर चिकित्सक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक निराकरण नहीं मिलने के कारण राजस्थान के सभी निजी चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर रखी है। इस बिल के विरोध में आप उदयपुर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा भी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है और इस विरोध प्रदर्शन से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राइट टू हेल्थ बिल हटाया नहीं जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आई एम डॉक्टर वंदना गक्कर। ये राइट टू हेल्थ बिल जो है वो परफेक्टली डिफाइंड बिल नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि सरकार अपना देख रही है, एक प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत सारा फंड लगता है और उस फंड को डिफाइन भी नहीं करता है सरकार की क्या सरकार कैसे क्या करेगी। और अगर एक पेशेंट वहाँ पे आता है और उसको एक अच्छी सर्विसेज चाहिए होती है तो वो अच्छी सर्विस डिफाइन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ही होती है। तो जब तक इमरजेंसी की डेफिनेशन परफेक्टली डिफाइन नहीं होगी कि क्या कैसे कौन सी क्या इमरजेंसी है, तब तक ये बिल का कोई प्रारूप नहीं है, कोई इसका संपूर्णीकरण नहीं हो सकता है। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर किसी को अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार होता है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में कोई अपना डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहा है, कोई रेजिडेंट काम कर रहा है, किस भी लेवल पे कोई काम कर रहा है, तो वो एक निष्पक्ष काम कर रहा है। अगर ये बिल आता है तो इससे क्या है, ऊपरी जो अधिकारी है और नेता है उसका प्रभाव हमारे जो राजनीतिक प्रभाव जो है वो हॉस्पिटल में पड़ेगा और उसका डायरेक्ट प्रभाव जो होता है वो पेशेंट की ज़िंदगी से रिलेटेड होता है पूरा। अगर हमारा सुप्रीम करप्टेड होगा तो हमारे डॉक्टर्स करप्ट होंगे और उसके द्वारा हमारी जनता और हमारे आम पेशेंट करप्ट होंगे। तो ये जो कमेटी बनाई है उसमें डॉक्टर ही होना चाहिए एकदम, जो जो इस कार्य में संपूर्ण रूप से जिसको जानकारी हो। एक आर्ट्स का बंदा कुछ नहीं कर सकता या एक पॉलिटिशियन को नहीं पता कि कैसे SAIU ट्रीट करना है, कैसे MMC ट्रीट करना है, उनको कुछ नहीं पता होता है। आज हमने अभी तक तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे, आगे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी तो चालू रहेंगी, अगर वो बोलेंगे कि नहीं हमें संपूर्ण कार्य बहिष्कार करना है तो हम उसको फॉलो करेंगे। सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।